पाठ्यक्रम में शामिल पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि को समझेंगे। इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में भी रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ भी लिखीं, पर फिर बाद में पूरी तरीके से व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने कई व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम इत्यादि लिखे हैं। साथ ही हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक भी हैं, अंधों का हाथी, एक था गधा। एक उपन्यास भी है, मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। इन्होंने फिल्म लेखन भी किया है, क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधुली उत्सव। धारावाहिक लेखन है ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, पद्मश्री, चक्कलिस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार, इन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेखक यश शरद जोशी जी इस पाठ में, जो कि तुम कब जाओगे अतिथि के नाम से है, इस पाठ में अतिथि देवो भव इस उक्ति का प्रयोग करते हैं। इस उक्ति के माध्यम से वर्तमान समाज में अतिथि का क्या महत्व है, क्या उसकी हालत है, इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है। अब आप यहाँ व्यंग को समझना चाहते होंगे। व्यंग एक साहित्य की वह विधा है जिसमें उपहास, मजाक और आलोचना का प्रभाव रहता है। व्यंग सहृदय के भीतर संवेदना, आक्रोश एवं संतुष्टि का संचार करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, व्यंग एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। व्यंग का शाब्दिक अर्थ ताना कसना होता है। वर्तमान समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर कभी कभी लेखक का मन व्यथित हो जाता है, चाहे वह अव्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक हो। मन इन अव्यवस्थाओं का प्रतिकार करना चाहता है, परंतु किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से हम इनका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, तो ये भावनाएं मन के किन्हीं कोने में संचित होने लगती हैं। व्यंगकार इन्हीं संचित भावनाओं को व्यंग के माध्यम से समाज में लाने का प्रयास करता है और शरद जोशी इन व्यंगकारों की श्रेणियों में प्रथम स्थान पर है। अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4th दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4th भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी
इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ थीती, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आगमन यानी आना, चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन, निसंकोच बिना किसी संकोच के, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, अतरंग यानी घनिष्ठ। लेखक और उसका मेहमान दोनों ही उस कमरे में बैठे हैं। अतिथि सिगरेट का धुआं फेंक रहा है और उसी के सामने कैलेंडर है। अतिथि को कैलेंडर दिखाकर बदला जा रहा है। लेखक यह मन में सोच रहा है कि इस मेहमान को आए हुए 4 दिन हो गए और ये अभी तक नहीं जा रहा है। लेखक कैलेंडर की तारीखें उसके सामने ही बदल रहा है ताकि वो समझे कि उसे 4 दिन हो चुके हैं, पर उसके जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। वह एक तुलना कर रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि चांद पे गए थे, वह भी इतनी लंबी यात्रा के बावजूद कुछ ही समय रुके थे, और जो मेरा मेहमान आया है वो छोटी सी दूरी से आया है पर वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब तुमने मेरे मन हृदय मस्तिष्क पर भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो और तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान भी देख ली है, यानी आपने मेरी आर्थिक स्थिति भी देख ली है, और अब मेरी काफ़ी मिट्टी खुद चुकी है क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो खर्चे भी होते हैं, आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ता है, तो उसकी वजह से मेहमान की वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है। अब तुम लौट जाओ थी। अब लेखक के मन में लेखक यह सोच रहा है अपने मन में कि मेहमान के जाने का यह हाई टाइम है, उच्च समय है, अब उसे चले जाना चाहिए। अब वो ये कह रहा है अपने मन में कि मेहमान को क्या अपने घर की याद नहीं आती है? क्या उसे उसकी पृथ्वी नहीं पुकारती है? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें लेकर जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। अज्ञात आशंका, अनजान डर, स्नेह भीगी प्यार से भीगी, भावभीनी प्रेम से ओतप्रोत। लेखक यहाँ मेहमान के आने की उस घड़ी की बात कर रहा है, उस वक्त की बात कर रहा है जब वह उसके घर में उसने अपना कदम रखा था। उसके आते ही लेखक का हृदय किसी अनजान डर से डर उठा था और उसकी वजह सीधा सीधा उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला जोर था। और इसने यह लाइन लिखी भी है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। फिर भी लेखक अपनी पत्नी के साथ उस मेहमान से सादर नमस्ते कर गले मिलता है और उसकी पत्नी उससे सादर नमस्ते करती है। मेहमान के आने पर लेखक ने रात के भोजन को अचानक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। उन्हें 2 सब्जी, रायता, मीठा यह सब परोसा गया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यह उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि दूसरे दिन
रेल से एक शानदार मेहमाननवाजी की छाप अपने दिल में लेकर वो चले जाएंगे। लेखक मेहमान से रुकने का आग्रह करते, निवेदन करते, उन्हें लगा कि मेहमान नहीं रुकेगा, नहीं मानेगा कि नहीं मुझे तो जाना है, और वह अच्छे अतिथि के साथ चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वह अतिथि सुलभ मुस्कान लेकर अपने घर बैठे रहे। अब लेखक का दिमाग खराब हो गया, उसको यह दुख जैसा लगा, उसने यह पीड़ा पी ली और फिर भी प्रसन्न बना रहा। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर जब उसने रात में डिनर कराया था, उस उच्च बिंदु से उतरकर उसने दिन के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और शाम को उन्होंने सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार के आखिरी छोर है, अर्थात लेखक के घर में कभी भी कोई मेहमान आया होगा तो दो दिन से ज़्यादा नहीं रुका था, तो उसे भी यही लगा कि यह जो मेहमान है वह दो दिन ही रुकेगा और तीसरे दिन चला जाएगा। क्योंकि लेखक के यहाँ पे तीसरे दिन कोई रुका ही नहीं था और उसके अलावा उन्होंने उसके आगे कुछ किया ही नहीं था। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आते, पर दूसरे दिन भी मेहमान नहीं जाता है। अब तीसरे दिन को देख लेते हैं कि मेहमान क्या कर रहा है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन यह विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। अब इस पैराग्राफ की कठिन शब्दार देखते हैं। आघात अप्रत्याशित यानी अनसोचा प्रहार, औपचारिक यानी दिखावटी। तीसरे दिन की सुबह जब लेखक से मेहमान कहता है कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह आघात अप्रत्याशित था। लेखक ने यह सोचा ही नहीं था। लेखक को तो लगा था कि यह तीसरे दिन अब तो चला ही जाएगा, पर नहीं, वो नहीं जाता है। और जो यह वाक्यांश कहता है उसकी चोट बहुत मार्मिक होती है। तुम्हारे सामीप्य की वेला, वेला यानी समय, अचानक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगा, उसे उस चीज़ का एहसास नहीं था, अनुमान नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यह एक व्यंग है। अब मेहमान के कहने पर लेखक कहता है कि ठीक है, हम कपड़े लॉन्ड्री पर दे देते हैं, क्योंकि धोबी को कपड़े देंगे दो या तीन दिन लगाएगा, समय लगाएगा। और लेखक ये सोच रहा था लॉन्ड्री पे देंगे तो शाम तक ही कपड़े आ जाएंगे और हो सकता है ये शाम को ही मेहमान अपने घर चला जाए। तो मेहमान बोलता है कि कहाँ है लॉन्ड्री, तो लेखक कहते हैं कि चलो चलते हैं, और साथ ही में वो औपचारिक कुर्ता डालने लग जाता है। तभी उनकी पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो लॉन्ड्री पर जा रहे हैं। अब पत्नी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आँखें एकाएक अचानक बड़ी हो गई। अब लेखक एक पुराने समय की बात याद कर रहा है, जब उसने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था, उनकी बड़ी बड़ी आंखों की वजह से ही उन्होंने अपना बिस्तर खोल दिया था, अर्थात उन्होंने उनसे शादी की थी। यही आंखें उन्हें बहुत प्यारी लगती थी इस वजह से, पर अब इन्हीं बड़ी आंखों से उन्हें डर लग रहा है। और पत्नी की ये बड़ी बड़ी जो आंखें हैं वह यह कहना चाह रही हैं कि अभी अतिथि नहीं जाने वाला है, ये अभी और टिकने वाला है, इसलिए उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। और आशंका निर्मूल भी नहीं थी, अतिथि तुम नहीं जा रहे, लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए हैं और तुम यहीं हो, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है।
अभी से न तो तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनि है शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, कब? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। लेखक कहता है बनाओ। शब्दार्थ निर्मूल बिना जड़ की, कोनलो कोनो सौहार्द हृदय की सरलता। पत्नी की आंखें बड़ी होना यह आशंका निर्मूल नहीं थी, बिना जड़ की नहीं थी। यह सच बात है कि मेहमान अभी नहीं जा रहा है। तीसरे दिन कपड़े धुलकर आ चुके हैं, फिर भी वो वहीं बैठा हुआ है। उसके भारी भरकम शरीर से जो बिस्तर पर चादर बिछी हुई थी वह बदली जा चुकी है, फिर भी वो यहीं है। तुम्हें देखकर जो फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट थी, जो हम खुश होते रहे थे, अब वह भी लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। जो ठाकों के रंगीन गुब्बारे हैं, जहाँ पे बातें ख़त्म नहीं होती थी, अब वहाँ कोई बातें ही नहीं हैं। जो उछलती हुई गेंद है वह सभी कोनलों से टकरा कर सेंटर में आकर चुप पड़ी हुई है, क्योंकि अब कोई बातें ही नहीं रह गई हैं, क्योंकि हम दोनों ने सारी ही बातें कर ली हैं। कई विषय के ऊपर चर्चा हो चुकी है, जैसे परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि प्रेमिकाओं के भी। अब उनके बीच में जो हृदय की सरलता है, अब वह बोरियत में रूपांतरित हो रही है। भावनाएं जो लेखक की हैं और लेखक की पत्नी की हैं, वह गालियों का स्वरूप ले रही हैं। वह मन ही मन सोच रहा है लेखक कि ये मेहमान का व्यक्तित्व किस अदृश्य गोंद से चिपक गया है। ऐसा कौन सा फेविकोल का जोड़ है जो हटने से हट नहीं रहा है, चिपक गया है, और मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। अब पत्नी जो डिनर और लंच बना चुकी थी, अब वह खिचड़ी पर आना चाह रही है, तो वह लेखक से पूछती है कि खिचड़ी बना लूँ, तो लेखक कहते हैं बिल्कुल बनाइए। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के अच्छा ही लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहीं रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है और जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पाँचवें सूरज की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले पाओगे। मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ भी नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अगर अपनी वाली पर उतरेगा उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। शब्दार्थ देख लेते हैं, गुंजायमान गुंजित करना, सत्कार यानी आवभगत खातिरदारी। जो सत्कार की उष्मा थी, जो गर्माहट थी, वह समाप्त हो रही थी। डिनर जो पहले दिन जब मेहमान आया था तब डिनर हुआ था, दूसरे दिन लंच हुआ था, अब वह खिचड़ी पर आ गए हैं। और अगर यह अभी भी नहीं जाता है, मेहमान अभी भी अपने बिस्तर को गोलाकार रूप अगर प्रदान नहीं करते हैं, तो लेखक पाँचवें दिन उपवास तक करने वाला है। तुम्हारे मेरे जो संबंध है वह एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का एक चरम क्षण है, यानी अभी हाई टाइम है, अब तुम लौट जाओ। लेखक यह भी कह रहा है कि मुझे पता है दूसरों के घर पर रहना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बदल जाता है, एक इज्जत मिल जाती है, खाने में टेस्ट बदल जाता है, ऐसी
मन बदल जाता है। ऐसी कई अच्छी बातें हैं जो होती हैं, पर साथ ही साथ इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ मेज़बान की हम जो स्वीटनेस है वह हम काटें। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। जो अपने घर में आराम है वह दूसरे घर में नहीं मिल पाता है। तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे पता है, लेखक यह मन में सोच रहा है। फिर यह भी सोचता है कि शराफत भी कोई चीज़ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने मेहमान को, जिसे हम देवता के समान मानते हैं, हम उन्हें गेट आउट बोलें। शरद जोशी बहुत बड़ा व्यंग कर देते हैं, वह यह भी कहते हैं कि यह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह है, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा और मैं लड़ खड़ा जाऊँगा। लेखक यह चाहता है कि जब पाँचवें दिन का जब सूरज जब निकलेगा, जब उसके चेहरे पर परिचित सूरज की किरण जब चूमेगी उसे, तो वह जाने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। आप यह जानते ही होंगे कि जब मनुष्य तपस्या करता है, जब भगवान उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं, तब वह कुछ ही समय तक साथ रहते हैं और फिर भगवान उन्हें तथास्तु कर उन्हें आशीर्वाद देकर आगे चले जाते हैं। जब भगवान और मनुष्य एक साथ कुछ देर तक साथ नहीं रह सकते हैं, तो यह जो अतिथि जो देवता के समान है वह इतने दिनों तक क्यों है? एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर अगर उतरेगा तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी कि अगर आपने महसूस किया होगा बच्चों कि शहरी जीवन में अतिथि की भूमिका क्या है और ग्रामीण स्तर पर अतिथि की क्या इज्जत मिलती है, उन्हें क्या सम्मान मिलता है, उनका क्या संबंध होता है, उस चीज़ को जानने के लिए कभी आप शहरी अतिथि बने हैं या कभी ग्रामीण अतिथि बने हैं, कृपया इस बारे में आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस पक्ष के में आप जाना चाहते हैं। अब कठिन शब्दार्थ पूरी तरीके से देख लेते हैं। निसंकोच, बिना संकोच के, सतत लगातार, आतिथ्य आवभगत, अतरंग घनिष्ठ या गहरा, छोर यानी किनारा, आघात यानी चोट, हमला वार, मार्मिक हृदय को छूने वाला, भावभीनी प्रेम से ओतप्रोत, अप्रत्याशित आकस्मिक, सामिप्य निकटता, कोनलो यानी कोनों से जिन्हें हम कॉर्नर्स कहते हैं, उष्मा यानी गर्मी गर्माहट, संक्रमण एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना, निर्मूल मूल रहित, सौहार्द मैत्री यानी मित्रता, हृदय की सरलता, गुंजायमान गुंजता हुआ, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट्स कि यहाँ पे चर्चा की गई है, तो आप प्लीज़ यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पे कौन से एस्ट्रोनॉट्स की बात की गई है जो चांद पर जाते हैं सर्वप्रथम। अब इस पार्ट को फटाफट सारांश के तौर पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर, ताकि आपको यह पार्ट जल्दी से समझ में आ पाए। लेखक के घर पर चार दिनों से मेहमान का टिके रहना, लेखक का परेशान होकर मेहमान के सामने कैलेंडर की तारीखें बदलना, लेखक द्वारा चंद्रमा पर गए एस्ट्रोनॉट्स की मेहमान से तुलना करना, लेखक को अपनी आर्थिक स्थिति के डगमगाने का भय सताना, मेहमान के आगमन पर लेखक का मुस्कुराते हुए स्वागत करना, रात के भोजन को डिनर तथा दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा तथा सिनेमा दिखाना, मेहमान के फिर भी न जाने पर लेखक की आशाओं पर पानी फेरना, तीसरे दिन मेहमान द्वारा कपड़ों को लॉन्ड्री में देने की बात सुनकर लेखक और उसकी पत्नी को गहरा सदमा लगना, मेहमान तथा लेखक के बीच बातचीत के सभी मुद्दे समाप्त हो जाना, लेखक व मेहमान के संबंधों में निरसता आ जाना, खिचड़ी का बनना, पांचवें दिन लेखक की सहनशीलता का समाप्त होना तथा मेहमान को गेट आउट कहने के बारे में सोचना, आखिरकार लेखक का यह सोचना कि मेहमान सदा ही देवता नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।